नमस्कार, खबर की दैनिक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब समाचार सिलवानी से। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रागनी मोहन साहू का प्रचार करने उतरे विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत। सिलवानी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 14 में रागनी मोहन साहू के पक्ष में विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। वार्ड वासियों से श्रीमती रागनी मोहन साहू के पक्ष में मतदान करने की अपील की, जहां पर वार्ड क्रमांक 14 के रहवासियों ने विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत का भव्य स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी रागनी मोहन साहू ने कहा, वार्ड के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। वहीं विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत द्वारा वार्ड क्रमांक 14 के मतदाताओं का सम्मान किया। प्रथम मतदान करने वालों का फूल माला ज्वाइन किया है, पार्टी इनका सम्मान भी करते हैं। सिलवानी नगर परिषद क्षेत्र में भ्रमण में आज 14 वार्डों में भ्रमण हो चुका है। काफी समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है और पूरे 15 वार्डों में जो हितग्राहियों की योजना है, सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है, संबल योजना है, उजला योजना है, इन ऐसी योजना है, इन योजनाओं का लाभ किसी न किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को मिला है। किसान ने सम्मान निधि जब हम घर घर पहुंचे, वार्डों में पहुंचे, तो कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन भी की है, पार्टी को समर्थन भी दिया है और निश्चित रूप से भारतीय मन बना लिया है सिलवानी के लोकप्रिय मतदाताओं ने कि हम परिषद भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे और 15 ही प्रत्याशियों को जिताएंगे। पूरा मुझे विश्वास है सिलवानी के हमारे सभी मतदाताओं पे, यहाँ की जनता पे, हमें पूरा आशीर्वाद वो देंगे और निश्चित रूप से 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी। काफी समस्या हमको निराकरण पहले हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में कई लोगों के नाम छोड़ दिए गए। कई 2-3 वार्डों में सड़क की स्थिति भी ठीक नहीं है, नाली की भी मांग की है, बिजली की भी कुछ समस्याएं बताई गई है, उनका निराकरण तो हमारी परिषद जैसे ही बनेगी, उसे हम प्राथमिकता से करेंगे। बाढ़ वासियों को जो समस्या है, समस्या का हल करेंगे, जो सरकारी योजनाएं चल रही है उसका लाभ दिलाएंगे, आवास योजना जो अन्य योजना